और हमारे टारगेट से जो हमारी दूरी है वो 30 फीट है। 30 फीट की दूरी से ये तीर उस बॉक्स के आर पार जाने चाहिए, ये रूल है। हाँ रूल ही है। तो चलो फिर ट्राई करते हैं। तो ये पहला तीर है और सामने बॉक्स है। ओह शिट, बॉक्स गिरने के साथ हमारा जो तीर है वो टूट चुका है, टूट चुका है। वेलकम दोस्तों, ये है हंटर तीर जो मैंने तैयार कर लिए हैं और अभी आपने देखना है मैंने इसे किस तरीके से तैयार किया है। और दोस्तों पूरा मेंशन मैंने कर दिया है वीडियो में क्या क्या सामान इस तीरों को बनाने के लिए लगाया। और उसके बाद सामने आप जो टारगेट देख रहे हैं टीन का बॉक्स, उसके ऊपर हम इन तीरों को चलाएंगे, देखेंगे ये कैसा निशान छोड़ते हैं उस टीन के बॉक्स के ऊपर। फिलहाल आप देखिए मैंने इन तीरों को कैसे तैयार किया है और उसके बाद इन तीरों को चलाकर देखेंगे।
अभी अभी आपने पूरी वीडियो में देखा मैंने कितनी मेहनत लगाई है इन तीरों को तैयार करने के लिए, और मैंने 10 तीर शुरू किए थे तैयार करने के लिए और तैयार होते हुए ये पूरे 7 तीर रह गए। कुछ तीर बेकार थे जो बनाते हुए टूट गए थे, तो अभी ये 7 तीर बिल्कुल रेडी हैं चलाने के लिए। तो चलिए अब निशाना लगाते हैं उस टारगेट के ऊपर, और ये आप धनुष देख सकते हैं। मैंने अभी 2-3 वीडियो हुई हैं मैंने इसे बनाया था, तो ये काफ़ी अच्छा बना है। तो अभी इस धनुष के साथ इन तीरों को चलाया जाएगा, तो चलिए फिर टारगेट पर निशाने लगाते हैं। तो चलो फिर दोस्तों पहला तीर ट्राई करते हैं, और हमारे टारगेट से जो हमारी दूरी है वो 30 फीट है। 30 फीट की दूरी से ये तीर उस बॉक्स के आर पार जाने चाहिए, ये रूल है। हाँ रूल ही है। तो चलो फिर ट्राई करते हैं। तो ये पहला तीर है और सामने बॉक्स है। बॉक्स गिरने के साथ हमारा जो तीर है वो टूट चुका है। तो अभी जो पहला तीर था वो 3 हिस्सों में बांट चुका है, तो ये अच्छी तरह से क्रैक हो गया। तो चलिए अभी दूसरा तीर ट्राई करते हैं। तो अभी ये दूसरा तीर, और बॉक्स को मैंने टेढ़ा रख दिया कि गिरे ना। तो चलिए फिर दूसरा तीर ट्राई करते हैं। वेरी गुड। अभी ये तीसरा तीर, अभी ये तीसरा तीर भी गया। तो चलिए अभी ये चौथा तीर चलाते हैं। अभी ये पांचवा तीर, छठा तीर, अब ये लास्ट 7वां तीर। अभी ये 7वां तीर भी टूट चुका है। तो दोस्तों अभी 3 तीर टूट चुके हैं और 4 तीर मेरे पास सही सलामत हैं। अभी क्रेज़ी आइडिया मेरे अभी दिमाग में चल रहा है। सामने अभी आप टेबल देख रहे हैं, जो हमारा टारगेट है वो टेबल है। टेबल के ऊपर हम इस तीरों को चलाएंगे। मैं देखना चाहता हूँ क्या ये तीर उस टेबल में खूब सकते हैं या नहीं। उसमें हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, पंजाबी में खूब सकते हैं कहते हैं। तो चलो फिर पहला तीर ट्राई करते हैं। तो दूरी हमारी वही है 30 फीट। तो चलिए फिर पहला तीर चलाते हैं। यस, जो तीर है वो उस टेबल में खूब गया था, लेकिन साथ में वो तीर टूट भी चुका है। अभी मेरे पास 3 तीर हैं, उन्हें भी ट्राई करते हैं। अभी ये दूसरा तीर, तीर तो टूट गया लेकिन उस पर लगा नहीं, साइड से लगा और टूट गया। अभी ये तीसरा तीर, ये तीसरा भी टूट गया लेकिन ये निशाने पर लग गया है। तो चलिए अब ये चौथा और लास्ट तीर बचा है, इसे भी चलाते हैं।
अब ये लास्ट वाला तीर बिल्कुल सही सलामत है, टेबल पर भी लग गया लेकिन ये टूटा भी नहीं, तो इसके लिए थम्स अप है। तकरीबन दोस्तों सारे तीर टूट चुके हैं सिवाय एक तीर के, ये तीर अभी मेरे पास बचा है और 6 तीर टूट चुके हैं और उन तीरों को मैं फिर से रिपेयर कर चलाने के जो कर लूँगा, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं उन्हें फिर से रिपेयर कर लूँगा। अभी आप ये देखिए तीर इतने ज़्यादा अंदर घुस चुके हैं, अगर मैं स्टेबल को छोड़ दूँ और तीर को पकड़ कर हिलाऊँ तो ये देखो, अच्छे से देख लो, आपको कमेंट भी करना है। ये देखो मैं इसको हिला रहा हूँ तो तीर इतनी रफ्तार से इसके अंदर घुसा है कि इसे निकालना अभी मुश्किल हो गया। हाथ से तो मैं नहीं निकाल सकता, मुझे प्लास के ज़रिए ज़ोर से इन्हें निकालना होगा या थौड़ी की सट के ज़रिए इसे बाहर निकालना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये तीर लकड़ी के अंदर घुस सकता है, स्टील की चादर को तोड़ सकता है, अगर गलती से किसी इंसान की तरफ चला दिया तो ये आर पार जा सकता है गोली की तरह। मैं तो ये बात ही कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो तीर है इतने ख़तरनाक हैं। हमारा काम है तो मैंने अभी ये हंटर तीर बना दिए हैं, आपको कमेंट करना है कि आपको ये कैसे लगे तीर, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब आने वाले नए नए प्रोजेक्ट देखने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।